बनाएंगे गुड़ देके शकरकंदी की टिकिया। इसके लिए हमने ये शकरकंदी उबाल ली है। सबसे पहले शकरकंदी को छील लें, छील के इसे ग्रेट कर लें। शकरकंदी ग्रेट कर ली है, अब गुड़ को भी ग्रेट कर लेते हैं। गुड़ भी इस तरह से ग्रेट कर लिया है, अब ये गुड़ इस शकरकंदी में डाल दें। जितनी शकरकंदी हो उससे आधा गुड़ डाल दें। अब इसमें ये कटे हुए काजू डाल दें, 10 से 15 काजू ले लिए हमने। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से गुड़ और शकरकंदी मिक्स हो चुकी है। अब इसकी टिक्की बना लें, जो भी साइज की आपको टिक्की बनानी उस साइज की टिक्की बना लें। इस तरह से इसी तरह सारी टिक्की बना लें। इन टिक्की के ऊपर ये फाफर का आटा लगा लें। गैस पे तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। इस तरह से सारी टिक्की रेडी कर लें। ये इस तरह से टिक्की रेडी हो गई है। गैस पे तवा चढ़ा दिया था, तवा भी गरम हो चुका है। अब इस पे ये घी डाल दे थोड़ा। गैस को धीमी आंच पे रहने दे, इस पे ये टिक्की रखते जाए, ये एक साइड सिक जाए तो इन्हें पलट ले, हल्के हाथों से दबा दे। शकरकंदी उबाल के आप ठंडा करके फिर ये टिक्की बनाएं। इस तरह से पलट ले, इन पर घी डाल के अच्छी तरह से सेके, धीमी आंच पे सेके, हल्का दबा दबा के। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। इन्हें उलट पुलट कर सेकते रहें। ये इस तरह से टिक्की सिक चुकी है, अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। गुड़ की शकरकंदी की टिक्की रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही मुलायम है।